Myself, Priyanshu. My project name is Preparation of Natural Insecticides by Custard Plant. Our aim is to control the environmental pollution. हमने आइडिया हमें ये कहाँ से मिला कि हमने कस्टर्ड प्लांट्स के ऊपर एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स बनाए. तो हम एक दिन हम ऐसे ही घूम रहे थे फॉरेस्ट में, तो हमने देखा कि जो कस्टर्ड प्लांट्स की लीव्स रहती है उसको कोई एनिमल्स खाता नहीं है, और इसकी जो फ्रूट्स पकने के बाद भी इसके आजू बाजू कोई ना कि कोई बैक्टीरिया ना कि फंगस बैठते, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई राज है. तो वही राज को हमने ये साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से ढूंढ निकाला है. तो इसके लीव्स में रहते टर्पेंटाइन एंड फिनॉइल, और उसकी जो बार्क रहते हैं उसमें एल्कोलॉइड रहते हैं, और उसकी जो सीड्स रहते हैं उसमें सुक्रोज रहते हैं. ये सबको हमने एक मॉर्टर में ले लिया, फिर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाल के हमने उसको क्रश कर दिया. क्रश करने के बाद उसको हमने 3 से 4 दिन डिग्रेड होने के लिए रख दिया. डिग्रेड होने के बाद हमने इसको डिस्टिलेशन फ्लैस्क में लिया. डिस्टिलेशन फ्लैस्क में लेने के बाद उसको हमने स्पिरिट लैम्प के थ्रू हीट किया. हीट करने के बाद कंडेंसर के थ्रू हमें ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड मिला. अभी हमारा नेचुरल इंसेक्टिसाइड रेडी है वेरियस यूजेस के लिए. ऊपर हम उसके पहले उसके आते हैं. आजकल हम देखते हैं गांव में आदिवासी लोग अपने बालों में जो कस्टर्ड प्लांट्स की लीव्स है उसको बॉईल करते हैं और उसे अपने बालों में यूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है, उनकी बालों में जो लाइसेस है, डैंड्रफ है, वो हट जाते हैं. लेकिन हम ठहरे मॉडर्न ज़माने के, हम यूज़ करते हैं शैम्पू, कंडेंसर वगैरह वगैरह. अगर उससे हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बाल की जो लाइसेस डैंड्रफ तो हट जाते हैं लेकिन वो वापस आते हैं और हमारी बाल की बाल वीक होते हैं और उससे हेयर फॉल्स भी हो सकते हैं. लेकिन अगर हम इसे हमारा नेचुरल इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उससे हमारी जो हेयर में अच्छी ग्रोथ होएंगे, लाइसेस डैंड्रफ भी हट जाएंगे. अब हम आते हैं दूसरे यूजेस के ऊपर. आजकल हम देखते हैं कि डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियाँ बहुत स्प्रेड हो रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग इसकी बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सोचता नहीं. अलग अलग कंपनी अपना नया नया ब्रांड निकालते जा रहे हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि गुड नाइट है, मॉर्टिन है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पॉल्यूशंस हो रहे हैं. लेकिन हमने हमारी जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड हमने बनाया था उसको हमने हमारा गुड नाइट की जो मशीन है उसको हमने इसमें लिया और उससे हमने अप्लाई किया. तो इससे क्या हुआ, जो मॉस्किटोज़ है वो भी रिपल हो गए, यहाँ तक कि मॉस्किटोज मर भी गए. अब हम आते हैं दूसरे यूजर्स के ऊपर. आजकल हम देखते हैं कि फार्मर्स लोग है वो सुसाइड करते हैं. क्यों, उसकी तो बहुत सारी रीज़न्स है, लेकिन दो मेन रीज़न ये है कि एक तो बारिश नहीं होती, सेकेंड रीज़न ये है जैसे कि कॉटन प्लांट उगाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी जर्म्स अटैक करते हैं तो पूरी प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो उसे प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीदते हैं. एक तो ये महंगा रहता है, आम फार्मर इसे खरीद नहीं सकते, और दूसरा प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करने बहुत टाइम तक प्लांट्स पर रहते हैं, ना जाने फ्रूट्स के ऊपर स्प्रेड हुआ रहेगा तो अगर हम खाते हैं फ्रूट्स तो हमें इंटरनल डिसऑर्डर हो सकते हैं. एटलास्ट से ड्रेनेज तो होएंगे ही, और सी वाटर रिवर में मिलते हैं तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वाटर की. तो अगर उसके बदले हम हमारा ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड हमने इसमें ले लिया और इसमें हमने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया, इससे हमने अच्छा रिजल्ट पाया, प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ भी होती है, और इससे नेचुरल जिससे बना इसलिए कोई प्रॉब्लम भी इससे नहीं होएगा. अब हम आते हैं दूसरे यूजर्स के ऊपर. आजकल हम देखते हैं कि लोग दारू पीते हैं. दारू पीना तो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है लेकिन फिर भी वो पीते हैं. उसे पीने क्या होता है, उनकी जो रेपुटेशन है सोसाइटी में वो कम होती है. तो अगर वो पीते हैं तो उन्हें अगर कस्टर्ड प्लांट्स की लिप्स खाने को दी जाती है तो उनकी जो नशा है वो कम हो जाती है. आजकल हम देखते हैं स्कॉर्पियंस के जहर तो बहुत ख़तरनाक रहते हैं. स्कॉर्पियंस जब काटते हैं बिच्छू तो उनकी जहर बहुत जल्दी फैलता है और उससे यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो सकती है. अगर स्कॉर्पियंस काटता है तो घाव पर अगर हम इसका पेस्ट अप्लाई करते हैं तो उससे जो हमारी जहर की मात्रा है वो कम होएगी, यहाँ तक कि जलन भी कम होएगा. हम तो बोलते हैं कि डेंगू मलेरिया से बीमारियाँ स्प्रेड हो रही है, गवर्नमेंट इसका कोई इलाज निकाल नहीं रहा. तो हमने क्या सोचा, हमने जो मॉस्किटो से प्रॉब्लम है उसको हमने जड़ से उखाड़ फेंका है. तो ऐसा हमने क्या किया, तो जो फीमेल मॉस्किटोज रहते हैं एनोफिलस मॉस्किटो, वो स्टैंडिंग वाटर यानी कि गटर एरिया में अपना अंडा देते हैं जिसे हम लार्वी कहते हैं. यहाँ देख सकते हैं ये लार्वी जो कि जिंदा है. ये लार्वी फिर बड़े होके मॉस्किटोज होते हैं. तो हमने लार्वी को ही हटा दिया, मतलब ये कर दिया. तो हमने इसमें लार्वी टेस्ट किया है, इसमें हमने लार्वी लिया और इसके ऊपर हमने हमारा नेचुरल इंसेक्टिसाइड अप्लाई किया, इससे लार्वी मर गए. अगर लार्वी मर जाते तो डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी जिससे लाखों करोड़ों लोग मर रहे आजकल, तो वो बीमारी से हम सॉल्व पा सकते हैं. आजकल हम देखते हैं कि फार्मर्स लोग सुसाइड कर रहे. तो हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया उसका मेन रीज़न ये था
कि जो फार्मर्स लोग आत्महत्या करते हैं उनकी लाइफ को हम बचा सकते हैं। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी में लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, उनकी लाइफ हम बचा सकें। थैंक यू।